बनाते आजो बावजल आजो शिरदार भतीजा सागला जो जी बनारी माँ जी माँ मोहे आजो। ए गीत गाता गाता अपना शादी होती टाइम गाया करे कोई लवाई सिद्ध चालिया ए छोड़ बाबा जीरी आंगली ए ले गोटोली मैं सुटोले कोयल बाई सिद्ध चालिया। बारवानो मैंने ब्याह उर जरा बिना आप विदा देवा बेटी ने तो गाया करा। एमएलए साहब ये गीत कभी भारतीय नारियां पूरा नहीं गाते बे गावे ने ए छोड़ बाबा जीरी आंगड़ रोबा लाग जावे गीत पूरा हो जावे जा बेटा आजा एक परसो काका ने खिलाऊं पाच आजा सी रोबा लाग जावे। तो मैं आपसे बच्चों से आशा क्या रखता हूँ आपको वो मंत्र बता के जाऊंगा जो पूरी जिंदगी में अगर काम में लोगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा आप पैसे वाले बनोगे पद बनोगे झूठ कपट बेईमानी से धन हड़पा हुआ पद हड़पा हुआ मैंने साफ लिखा है खेत आगे रे बाने गरम मकान बनाओ ईंटा में काची ईंटा सिरमट ढंकी नहीं हुए चुनाई ढंकी नहीं हुए और तीन मंजिलों बना दो भी मैं कोई सो कौन सके आराम बिंठा है करा पढ़ लो ठीक। इसी तरह झूठ कपट बेईमानी से धन और मान सम्मान कमाया हुआ आदमी हर वक्त भयभीत रहेगा कि कांटा कद फोल खुल जावे कद कमाए डुल जावे कद मामलो रुल जावे और कद काय हो जावे। ये वजह मैं आपको बहुत बड़ा मैंने जीवन में चरित्र और ईमानदारी को महत्व दिया है चरित्र और ईमानदारी को महत्व दिया है। मेरे गुरु मेघवाल थे आठवीं क्लास में पढ़ो तो पूछो कि चरित्रहीन कौन बनी मैं सोचो फुटबॉल को कैप्टन बना हुआ है मगर सर मैं चरित्रहीन बनू 2500 5000 भाई हैं बेबी क्यों चरित्र नहीं बना। गुरु जी डंडो उठाओ ठोकवा शुरू करो मैं क्यों गलत बन गया ये सच्ची घटना है। पहली थप्पड़ की ठोकी कान को पढ़ दो गायब मन सुनी जो को नहीं आजकल तो दो ठोकता ही गरजार कह दिया वहां लेर नो ठोकी मारे नेकरी हो रहे तो नेरन पे नेकर के कार्य रहती जीप के लाइट वजी अभी कारी डबल डबल हुआ थोड़ो कम ठुकी जो गरा की हो तो वो चौमासा में जन गया कि तो सर्दी का दिन में तपा ना आपा आग तपा ना भी दिन बेट तपियो मैं मारी माँ क्यों बेटा अटी ने किया मैं क्यों माँ दर्द उठे आज मार साहब ठोको धरो मारे लाल कर दिया मैं क्यों ठोकर। तो उस वक्त मैंने प्रण किया कि मैं चरित्र और ईमानदारी संभाल के रखूंगा और मैं लोगों को मंच के सामने कह देता हूं आई हैव गोट 100% नंबर इन ऑनेस्टी आई हैव गोट 99% नंबर इन करेक्टनेस। मैं बता देता हूं मेरी कि बरसों पहले इस दिल ने भी चोट खाई है आपके मिलते ही पीती आदि लोट आई है मैंने पुस्तक लिखा उसका नाम पहचान है पुस्तक में नीचे लिखा है ये मेरी आत्मकथा है करीब करीब सच्चाई थोड़ी बता है। कम वक्त ऐसा वक्त आया कि मैं अपने आप में गिरने लगा बरसों संभाल के रखा अनमोल चरित्र पल भर में पानी फिरने लगा। मैं सूरज होता लेकिन गोती केवल आग चांद तो अभी हुयारो लग गया होगा थोड़ा दाग मैं सूरज होता लेकिन होती केवल आग चांद तो अब भी हूं यारो लग गया होगा थोड़ा दाग गिरना तो बात संजोग था गिरकर न उठूं वो बहुत बड़ा रोग था क्यों मैं कहूं मेरे बच्चों बच्चियों को जिस मालिक से अल्लाह ताला से ईश्वर से छुपाना था उसको पता पहले ही लग गया अब गुनाह नहीं करेगा रूपा राम जग गया अब गुनाह नहीं करेगा रूपा राम जग गया।